ग्वालियर के विद्याधाम परिसर में वात्सल्यमयी आर्यकरत्नि श्री पूर्णमती माताजी का 36वां भव्य दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों के गुरु भक्त बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य वात्सल्यमयी आर्यकरत्नि श्री 105 पूर्णमती माताजी का 36वां भव्य दीक्षा दिवस समारोह ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित विद्याधाम परिसर में 10 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भव्य दीक्षा दिवस समारोह में सम्मिलित होने आए भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ आए हैं और माता जी का दीक्षा दिवस हम लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। माता जी से जोड़ने वाली हमारी ये ज्योति दीदी है, इन्होंने ही हम लोगों को माता जी से जोड़ा है और हम लोग आज इनका कितना धन्यवाद दें कि इनकी वजह से आज हम लोग ऐसे माता जी से जुड़े और हम लोगों को लगती है जैसे खुद माँ जैसी हो, वो एकदम माँ का वात्सल्य की तरह, वो माँ की तरह बच्चों को जैसे समझाती है वैसे माँ हम लोगों को समझाती है और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी को हम लोग सबके भाव हो रहे हैं कि माता जी को हम लोग गुवाहाटी में बुलाए और उनका चातुर्मास गुवाहाटी में करवाए। वर्ष 2022 में जब आर्यकरत्न माँ पूर्णमती माता जी का चातुर्मास इंदौर हुआ था तो मुझे उस चातुर्मास में मुख्य भूमिका में कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ था। वैसे तो माता जी से मैं विगत 25 वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन 2022 का अनुभव मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा क्योंकि उस पूरे चातुर्मास में मैंने बहुत कुछ सीखा, साथ ही माता जी की पिछी लेने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। असम के गुवाहाटी से पधारे सुरेंद्र जैन ने कहा कि हमें ग्वालियर में गुरुमा के 36वें दीक्षा दिवस समारोह में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण और यहाँ के कैसा लग रहा है वो तो शब्दों में वर्णन हम नहीं कर सकते, इतना अद्भुत माता जी का प्रभाव है। माता जी की आभा ऐसी है कि उनकी आभा में अगर हम आ जाते हैं आभा मंडल में तो उसके बाद क्या कहने, आनंद का, आनंद की कोई परिभाषा नहीं है। और 36वां दीक्षा दिवस में हम अपने गुवाहाटी समाज के अध्यक्ष महावीर जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में 25 आदमी गुवाहाटी से आए हैं और हमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। इस दौरान ग्वालियर की धरा पर आयोजित हुए भव्य दीक्षा दिवस समारोह में हजारों की संख्या में गुरु भक्त भक्ति भाव के साथ आनंदित नजर आए। जैन फोकस के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।